मैम, ये जो बोट पेट्रोलिंग होता है, आप कैसे इसको करते हैं? और सामने से अगर जैसे पाक है, पाक बॉर्डर है, आप यहाँ पे कैसे बोट पेट्रोलिंग करते हैं? मैम ऐसे जैसे इसमें सारे इसमें बैठ के घूमना, इधर उधर से राइफल लेके देखना, उनको उन पर नज़र रखना, कहीं कहीं से है तो नहीं कोई उधर। मैम घर परिवार, आपके घर में वैसे कौन कौन है? मेरे घर में मतलब सास ससुर हैं, सिस्टर है, 3 मेरे बच्चे हैं, मम्मी पापा। 3 बच्चे हैं घर में और आप यहाँ पे, मतलब यहाँ बेसिप में आने के लिए पहले सोचे थे या क्या कुछ इंसिडेंट हुआ, कैसे आए आप? पहले तो नहीं मैडम, मेरे हस्बैंड थे बीएसएफ में, मैं उनकी जगह कंपल्स भर्ती में आई। पहले मैं आई नहीं थी, 2012 में मेरे हस्बैंड X12 हो गए थे, तब मेरे बच्चा काफ़ी छोटा था, तब मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अभी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैं बीएसएफ में आने का। तो अगर हम बोलेंगे जो आपके पति थे उनके अधूरे सपने को आप ही पूरा कर रहे हैं, देश को सुरक्षा दे रहे हैं। जो उनका कदम मैं छोड़, मतलब उसने थोड़ा बीच में रहेगा, जो सपना वो मुझे पूरा करना था। मैम घर में 3 बच्चे हैं, वो लोगों को छोड़ के जब बच्चे छोटे थे उस 2012 से लेकर अभी तक, मतलब कितना स्ट्रगल कर घर परिवार और देश की सुरक्षा, आप तीनों को कैसे देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं? हम बच्चे मैम सास ससुर के पास हैं, वैसे समझदार हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं तो उनको सही से रख रहे हैं, परिवार बढ़िया है मेरा और इसलिए मैं इधर ड्यूटी कर पा रही हूँ। घर की याद कभी आती है? आती है मैम, बच्चों की भी आती है घर भी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे इधर लगता है ड्यूटी में। उन्हें कि थी कथा सीखा को अच्छी आम देशर महिला मानू आम देशर समस्त नागरिक को, समस्त मुहर से गोटे कथा, घर परिवार निजर पिला छुआ ए समस्त सुरक्षा ठू जी गुरुत्वपूर्ण रही अधिक गुरुत्वपूर्ण, जदि आप महिला बीएसएफ होती आदि बॉर्डर में अच्छा देश को सुरक्षा दौंती सबुठ अधिक गुरुत्वपूर्ण। आठ महिला मैंने दिन राति 24 घंटा ये था बोट रे पेट्रोलिंग करूँ, फूड पेट्रोलिंग भी करती, वेहिकल पेट्रोलिंग सह ये बोट पेट्रोलिंग भी हो। जदि आपंको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।